अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अरेबियन डिश कब्सा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो चावल और तकरीबन 2 किलो चिकन है, जिसको हमने धो के कट लगा लिए हैं। 2 लीमू जिनको हमने बारीक काट लिया है, देसी घी, 3 टमाटर, 3 हरी मिर्चें इनका हम पेस्ट बना लेंगे, 3 प्याज इनकी कटिंग कर ली है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, 2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, साबुत गरम मसाला, दालचीनी 2 टुकड़े, साबुत काली मिर्ची 1 टीस्पून, 3 मोटी इलायची, 5 सब्ज़ी इलायची, 5 लौंग, 3 बादियाख्ताई, तेज़पात, साबुत जीरा 2 टीस्पून, जायफल 1 टुकड़ा, किशमिश, बादाम और काजू, आप ये सब चीज़ें शामिल कर सकते हैं। हमने सिर्फ किशमिश ली है। टमाटर और हरी मिर्चों की पेस्ट बना ली है। चूल्हा जला के हांडी को चूल्हे पे रखते हैं। और इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल देते हैं। घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें साबुत मसाले फ्राई कर लेंगे। अब प्याज शामिल करेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज गोल्डन हो चुकी है, अब इसमें चिकन शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। इसे और टमाटर और हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। चिकन को इतना पकाएंगे कि चिकन और टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। चिकन और टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसमें 3 ग्लास पानी शामिल करेंगे। आधा किलो चावलों के हिसाब से हमने 3 ग्लास पानी शामिल किया है। चिकन को ढक के इतनी देर पकाएंगे कि चिकन गल जाए और यखनी भी बन जाए। चिकन गल चुका है, चिकन को यखनी में से निकाल लेंगे। यखनी में 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। आधा किलो चावलों के लिए 1 टेबलस्पून नमक काफी होता है। अब यखनी में चावल शामिल करके पकाएंगे। यखनी में पिसा हुआ खुश्क धनिया और पिसी हुई काली मिर्ची भी शामिल कर देंगे।
दो चम्मच देसी घी फ्राई पैन में डालेंगे और चंद सेकंड के लिए किशमिश को फ्राई कर लेंगे। किशमिश को फ्राई कर लिया है। अब इसी घी में चिकन को शैलो फ्राई करेंगे। चावल तकरीबन पकने के करीब हैं। चिकन को हमने फ्राई कर लिया है। चावलों में लीमू जो हमने काट लिए थे वो शामिल करेंगे। चिकन शैलो फ्राई हो चुका है। अब इसको हम चावलों पर रख के तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। अरेबियन डिश चिकन कब्सा तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है चिकन का, बहुत ही अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।